दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इजी इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे बेसन का चिल्ला। बहुत लोग इसको ऑमलेट भी कहते हैं, वेज ऑमलेट, पर मैं इसको चिल्ला कहूँगी। हम इसमें 4 चम्मच बेसन के लेंगे और 2 चम्मच मैदे के, बड़ा चम्मच, टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, कुछ हरी मिर्च, धनिया और एक बड़ा सा प्याज, आप 2 प्याज भी ले सकते हैं छोटे होने से, और कुछ कैप्सिकम हमने छोटी सी काट के रखी है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च और अनियन ही डाल सकते हैं। अब पानी से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर बनाएंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है, और जस्ट बनाने से पहले, इसमें पहले से ही एयर बबल्स हैं, पर अगर इसको और भी क्रिस्पी बनाना हो तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा डाल सकते हैं। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच, मैंने जिंजर का ग्रेट करके डाला है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा बनाने से पहले आप मिक्स कर सकते हैं ताकि क्रिस्पी चिल्ला बने। तवे को हम हीट कर लेंगे पहले से प्री हीट, और उसके ऊपर ये बैटर डालेंगे। आस्ता आस्ता स्प्रेड करेंगे और एक बहुत बड़ा चिल्ला बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी। ये इतना टेस्टी होता है, जैसे नॉन वेजिटेरियंस को अंडा पसंद है, उसी तरह से ये अगर सर्व किया जाए वेजिटेरियंस को तो उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगा, और ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। इवनली इसको हम स्प्रेड कर देंगे। एक साइड से अच्छी तरह से पकाने के बाद हम उसको पलट के दूसरे साइड से पकाएंगे। दोस्तों, ये हम सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ। हमारा नीचे से ऑलमोस्ट पक गया है, अब हम इसको पलट देंगे। देखिए, अब ये जब पलट के इतना सुंदर लगेगा, एकदम अंडे की तरह लग रहा है। जिस तरह से हम ऑमलेट बनाते हैं ठीक उसी तरह से लग रहा है, इसलिए कई लोग इसको वेज ऑमलेट भी बोलते हैं। मैंने इसको ए वेज ऑमलेट चीज़ ब्लास्ट का नाम दिया है, क्योंकि मैं इसमें चीज़ डालूँगी। अब देखिए कितना एकदम ऑमलेट की तरह लग रहा है। सारी तरफ प्याज, हरा मिर्च और धनिया पत्ती दिख रही है, और अब हम इसमें चीज़ स्लाइस डाल के इसको और भी चीज़ी बना देंगे, और उसको गरम गरम सर्व करेंगे टोस्ट के साथ। देखिए, इतना सिंपल नाश्ता और बहुत ही आसानी से बन गया है, ना कुछ ब्रेड का काटना, ना उसमें भरना, बस इसी को काट के आप ब्रेड के ऊपर रख के खा सकते हैं। एकदम बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप ज़रूर से इसको बना के सर्व कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नाश्ता हमारा रेडी है गरम सर्व करने के लिए। चीज़ भी मेल्ट हो गई है,